उज्जैन में रेप का एक संगीन मामला सामने आया है। एक डॉक्टर ने इलाज कराने आई महिला के साथ ही दरिंदगी कर डाली। महिला की घर पर तबियत खराब हुई तो वो चेकअप कराने एक निजी क्लिनिक पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने महिला को बेहोश करके रेप जैसा संगीन अपराध कर डाला। हालांकि महिला इलाज कराने अपने पति के साथ आई थी, लेकिन उसका पति उस दौरान नमाज का वक्त होने के चलते मस्जिद चला गया और डॉक्टर ने अकेली महिला का फायदा उठाते हुए रेप कर डाला। वैसे आपको बता दें कि ये मामला मई 2021 का है, जब पहली बार डॉक्टर ने महिला से रेप किया था। लेकिन डॉक्टर करीब 16 महीने से लगातार महिला को ब्लैकमेल करके रेप कर रहा था, क्योंकि उसने महिला के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब डॉक्टर पिछले महीने की 30 तारीख को जबरदस्ती महिला के घर घुस गया और फिर से रेप को अंजाम दे डाला। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार महिला से रेप कर रहा है। आखिर डॉक्टर की ज्यादती से तंग आकर महिला ने अपनी आपबीती पति को बताई। तब जाकर हिम्मत जुटाकर दोनों सोमवार को थाने पहुंचे और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जी, कल एक फरियादिया अपने पति के साथ थाने मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट की है कि उनके साथ एक डॉक्टर है, डिग्री एग्जिट नहीं पता है, डॉक्टर का प्रैक्टिस करते हैं वो पता करा रहे हैं, एग्जिट अभी नहीं पता है। दूसरा कि वो उनका ट्रीटमेंट ले रहे थे, बाद में फिर उन्होंने कुछ गलत काम किया उनके साथ, उसको लेकर शिकायत थी, इस पर मामला दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि महिला परिवार के साथ किराए के घर में रहती है। डर की वजह महिला महीनों से चुप रही और डॉक्टर की हिम्मत बढ़ती रही। महिला की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। जांच में पाया गया कि आरोपी के पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। वो घर पर ही फर्जी तरीके से क्लिनिक चला रहा था, मतलब कि वो छोला छाप डॉक्टर है। लिहाजा पुलिस जालसाज डॉक्टर को गिरफ्तार करके मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पंजाब के सरी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह ठाकुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।